हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिजी में। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एम्स के कट ऑफ की, सभी कैटेगरी के लिए, सभी एम्स के लिए राउंड वन एमसीसी राउंड वन कट ऑफ की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। और इसमें पूरा जो सबसे पहले एम्स लिया गया उसको नंबर वन पर लिया है, लिखा है, और जो उसके बाद सीरीज से लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर न्यू दिल्ली ओपन 53 रैंक पे क्लोज हुआ है। स्कोर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 706, EWS 254 स्कोर के अकॉर्डिंग 695, OBC 250 रैंक और स्कोर के अकॉर्डिंग 695, SC 875 स्कोर 680, ST 4820 एंड स्कोर 645। इसी तरीके से आप और भी एम्स देख सकते हैं। नंबर दो पे बच्चों ने इस बार भुवनेश्वर ऑप्ट किया है और जो रैंक है वो 538 है। मैं यहाँ पे जनरल का रैंक बताता जाऊँगा, अदर कैटेगरीज भी अपना रैंक देख सकते हैं। भोपाल की अगर बात करेंगे आप तो भोपाल थर्ड नंबर पे 572 रैंक पे क्लोज हुआ है जनरल के लिए। जोधपुर फोर्थ नंबर 633, ऋषिकेश फिफ्थ नंबर 933 रैंक। इसके बाद रायपुर की आप बात करेंगे तो 1134, पटना 1519, एट्थ नंबर नागपुर 1628 एंड भटिंडा 9 नंबर 2016 रैंक पे क्लोज हुआ है। बीबी नगर हैदराबाद 2840 रैंक पे क्लोज हुआ है। मंगलागिरी की आप बात करेंगे तो 2999 रैंक पे क्लोज हुआ है। गोरखपुर 3077 रैंक पे क्लोज हुआ है। इसके बाद राजकोट 3149, रायबरेली 3365 रैंक पे क्लोज हुआ है। इसके बाद अगर आप 15 नंबर कल्याणी की बात करेंगे तो रैंक ओपन 3420 पे क्लोज हुआ है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश 3773 पे क्लोज हुआ है। गुवाहाटी 4660 पे क्लोज हुआ है। मदुरई की आप बात करेंगे तो 4759 पे क्लोज हुआ है। देवगढ़ की अगर बात करेंगे तो 4851 पे क्लोज हुआ है। इसके बाद अगर आप जम्मू की बात करेंगे तो 4999 पे जनरल के लिए क्लोज हुआ है। EWS 5940 पे क्लोज हुआ है। OBC 6066 पे क्लोज हुआ है। SC 41780 पे क्लोज हुआ है। ST 63705 पे क्लोज हुआ है। अगर आप स्कोर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एम्स जम्मू जनरल के लिए 645, EWS 640, OBC 639, SC 557 एंड ST 526 पे क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट एम्स की पूरी जानकारी। इसी तरीके से चैनल पे आपको सभी मेडिकल कॉलेज की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप अपनी काउंसलिंग को 2022 में और आसान बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।